अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक से खैर की से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोगों के दुआओं के साथ हो जी। सबसे पहले तो जो जो मैं चाह रहा हूँ वो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन मोस्टली प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिल सके। तो जी, बलमा बीबी का आ गया है व्लॉग। तो व्लॉग में इतनी ड्रामाबाजी, इतने ड्रामाबाजी, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। तो जी, वो हमें ज़्यारतें दिखा रही थी और जी उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। तो मेरा इन बीबी से ये पैगाम है कि बीबी साहिबा, आप अब इतनी इस्लामिक खातून बनती हैं कि इस्लाम का जो वो कहते हैं ना, सारा दारोमदार आप ही पे तो है, आप ही को तो इस्लाम का पता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो जी, इन बीबी से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि बीबी साहिबा, आप हमें जो इतना लंबा लंबा लेक्चर दे रही हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि यही लेक्चर जो यहाँ पर आवारा कराची से आवारा औरतें बीना साहिबा और नागिन साहिबा, ये जो दो आवारा आई हैं, अच्छा होगा कि आप ये थोड़ी सी इस्लामी तालीम ना इन आवाराओं को दे दें, ना कि इन आवाराओं से अपने वो कहते हैं ना अपने लक्षण पूरे करवाने के चक्कर में इन आवाराओं को जो तुम सर पे बिठा कर और जी चवलियाँ मार रही हो ना, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें वो कहते हैं ना डॉल शॉल बनाने में जो वो अपना पूरा हाथ उनका वो कहते हैं ना अपना पूरा वो कंट्रीब्यूशन अदा कर रही हैं ना, तो उस उनको अप्रिशिएट करने से ज़्यादा उनकी वो कहते हैं ना बकवासियात दिखाने के से बेहतर है कि तुम ये जो हमें दर्स दे रही हो और जो इतनी ज्यारतें करवा रही हो ना, वो उनको करवाओ जो यहाँ पर सिर्फ वो कहते हैं ना उम्रे के नाम पर और अल्लाह के घर के नाम पर यहाँ पर सिर्फ घूमने और सैर सपाटा करने आई हैं। ठीक है, ये बहुत तुम इस्लाम कार्ड खेलती हो, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे हैरत होती है, मुझे बोलते हुए ये हो रहा है कि तुम जैसी बग़ैरत औरतें जो जिसने अपने पैसे और लालच के लिए अपनी बहन की इज्जत तक को नहीं छोड़ा, तो तुम जैसी औरत इस तरह की बातें करती है ना, सच में सीरियसली बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है कि वो कहते हैं ना अंदर से शैतान ऊपर से निशरफा बीबी। खैर, अब बात कर लेते हैं जी कि ये जो नागिन साहिबा हैं जो वो कहते हैं ना इधर उधर लचनों की तरह फिर रही है इबादत। अब मुझे वैसे एक बात नहीं याद आ रही, ये नागिन की 40 नमाजें कहाँ हैं? अगर मुझे प्लीज़ कोई मैसेज पहुंचा सके तो मुझे इससे लाजमी पूछ के बताना कि इसकी 40 नमाजें कहाँ हैं, इसकी वो तड़प कहाँ है जो अपने वो कहते हैं ना घर की सफाइयों के दौरान ये तड़प जाहिर करती थी कि मैं मदीने चली जाऊँ, ये वो यूँ वो। हाय अल्लाह, कैसे कैसे लोगों को अल्लाह तू अपना घर देखने को नवाजता है, और हम जैसे और जो हम जैसों की तरह के जो बहुत से हैं जो वाकई ही जाने के लिए तरसते हैं, वो बेचारे महरूम ही रह जाते हैं अल्लाह के घर जाने से, और इन जैसे घटिया लोगों को बुला लेते हैं जिनको वो कहते हैं ना इस जगह की अहमियत का ही नहीं पता, जस्ट सैर सपाटा घूमना फिरना। शॉपिंग के दौरान पागल हो जाती हैं ये लोग, वैसे बीमार रहती हैं, वैसे दौड़ी कूद रही होती हैं। खैर, बात कर लेते हैं चाचू जी की। चाचू जी पहुँचे हैं सऊदीया और ये वो कहते ना जलकुकड़ी औरत ये पहुँची एयरपोर्ट जी। इतने घर में औरतें, चार औरतें छोड़कर गई थी, मजाल है कि उन चार औरतों में से किसी को भी तौफीक हुई हो कि खाना ही बना के रख लें। तो वही बात है ना कि ये बग़ैरत औरतें जितनी मर्जी कोशिश कर लें बट फिर भी ये सितारा की जूती के बराबर भी नहीं हो सकती। वो इसलिए क्योंकि जो सितारा ने खिदमत कर ली वो ये नहीं कर पाएगी, बेशक जितना मर्जी दिखाती रहे। खैर, बाकी बात कर लेंगे जी चाचू के साथ। जो वो कहते हैं ना जैसे माँ बाप की तरबियत होती है वैसे ही बच्चे दिखाते हैं, और बच्चे ने जैसे कि वीडियो में बताया कि मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है, एक तो मेरी गेम आ रही है और दादा आ रहे हैं, मींस के लालची, जिस तरह के माँ बाप लालची वैसे ही बच्चे लालची, तो उन्हें दादा की आने की खुशी नहीं बल्कि ज़्यादा गेम की फिक्र थी। खैर, दिखावे के लिए ये लोग बड़ी जपियाँ पपियाँ हो रही थी। खैर, मैं यही कहूँगी कि
देखते हैं कितने दिन तक कायम रहती हैं ये जपियां पपियां और ये इतना एहतराम। आज से पहले तो इसे ससुर याद भी नहीं थे। ओह, सितारा ने जो इतना खिदमत की है तो अब थोड़ा बहुत क्रेडिट तो इसको भी मिलना चाहिए ना। वैसे आज तक सुना था कि बड़े बहन भाइयों से छोटे बहन भाई सीखते हैं, पर ये जल कुकड़ी छोटी बहन से ही सीखती है सब कुछ। खैर, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।